1868 बॉम्बे में एक बैंकिंग फर्म चलाने वाले व्यक्ति का एक बेटा जिसकी आयु थी 29 वर्ष, 1868 में उसने एक कंपनी शुरू की और उस कंपनी का नाम है टाटा। और उस 29 साल के युवक का नाम था जमशेद जी। क्या नाम था? इस व्यक्ति का नाम मैं क्यों लेना चाहता हूं आज, यह समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, इस व्यक्ति ने भी 1868 में अपने सोच में आजादी ली थी, एक ख्वाब देखा था, एक सपना देखा था और उस सपने से प्यार किया था। और 1868 में ये जो कंपनी शुरू हुई, आज इस कंपनी को 148 साल पूरे हो गए हैं। कितने? 148 ईयर। और 6 जनरेशन ने इस कंपनी को चलाया है। कितनी? 6। अभी 6ठी जनरेशन है, जमशेद जी के बाद दुराब जी, उसके बाद नौरोजी, उसके बाद JRD, फिर रतन और अब साइरस मिस्त्री इस समय इस कंपनी को देख रहे हैं। वो कंपनी जो 1868 में शुरू हुई थी, वो आज 100 कंपनियों में बदल चुकी है। आज टाटा की 100 कंपनीज हैं जिन्हें हम टाटा ग्रुप कहते हैं और 6 लाख से ज्यादा एम्प्लॉई हैं। और आज वो अपने इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं? अक्सर हमारे आसपास लोग भाग्य की दुहाई देते हैं, लोग कहते हैं बिजनेस में उतार चढ़ाव होता है, लोग कहते हैं बिजनेस खराब हो जाता है, कभी अच्छा होता है, कभी गिर जाता है, कभी नुकसान हो जाता है। 148 साल में टाटा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 148 साल में 6 कंपनी के मुखिया बदल गए, मगर कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तरक्की की राह देखी, सिर्फ प्रगति की राह देखी। आज देश विदेशों में टाटा की कंपनियां हैं। मैं आपसे सब क्यों कह रहा हूं? जमशेद जी से किसी ने पूछा, आपकी सफलता का राज, ऐसी कंपनी पे भाग्य 148 सालों से क्यों मेहरबान है? तो जवाब बड़ा सिंपल है, क्योंकि इस कंपनी का भाग्य विधाता उसका कस्टमर है। जिस कंपनी का भाग्य विधाता का कस्टमर है के भाग्य को कभी आंच नहीं आ सकती। दोस्तों, कोई भी कंपनी कितनी सफल होगी यह तय करता है कि उसका प्रोडक्ट कितना बिकेगा। अगर कंपनी, कोई बोले ये कंपनी का डाउनफॉल शुरू हो गया, तो मतलब एक ही है कि उसका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा। यस और नो? प्रोडक्ट खरीदा जाए या ना खरीदा जाए, यह कौन तय करता है? कौन तय करता है? तो जिस कंपनी का भाग्य विधाता उसका कस्टमर है, जिस कंपनी के सोच में उसका कस्टमर उसका भाग्य विधाता है, उसका कस्टमर उसका भगवान है, उसका कस्टमर सर्वोपरि है, वो कंपनी का भाग्य कभी खराब हो ही नहीं सकता। देखो दोस्तों, हमेशा हमारे पास 2 विकल्प होते हैं। हमारे पास, सबके पास हमेशा ऑप्शन होती है, विकल्प होते हैं। एक विकल्प होता है शॉर्टकट, छोटा रास्ता। इसमें कोई संदेह नहीं, कई बार छोटे रास्ते पे फटाफट जल्दी थोड़ा सा पैसा आ जाता है। लेकिन एक होता है
सही रास्ता, मैं छोटा नहीं कह रहा हूं, सही रास्ता। सही रास्ता थोड़ा बड़ा हो सकता है, थोड़ा मेहनती हो सकता है, मगर मैं आपको ये कहता हूं कि छोटे रास्ते में आपकी सफलता का अंत जल्दी ही निश्चित है, लेकिन बड़े रास्ते में आप वो इबाबत लिखेंगे जो जमशेद टाटा ने लिखी।